जय श्री राम, जय हनुमान। ओम श्री हनुमन्ते नमः। हनुमान जी का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे। हनुमान जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य उदय हो, जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य बढ़े, आपका कल्याण हो। निश्चय प्रेम प्रतीत विनय करे सन्मान, तेहि के कारण सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। हनुमान जी आपको भाग्यशाली बनाए, संकट से रक्षा करो। हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। तुला राशि वालों, शुक्रवार का दिन 24 जून आज का दिन आपके लिए बड़ा बेहतर है, क्योंकि आज सर्वात सिद्धि योग है, योगिनी एकादशी है। आज ये अश्वनी नक्षत्र सुकर्मा योग सुबह 8:04 तक, उसके बाद भरणी नक्षत्र का शुक्र और मंगल। शुक्रवार का दिन 24 जून अश्वनी नक्षत्र में सुबह 8:04 तक आपकी कुंडली में मंगल और केतु आपको प्रभावित करेगा। उसके बाद भरणी नक्षत्र में शुक्र और मंगल। आज सर्वात सिद्धि योग भी अश्वनी नक्षत्र में और विजय मुहूर्त भरणी नक्षत्र में आएगा। आज का दिन आपकी कुंडली में शुक्र मंगल केतु का प्रभाव, राहु की छाया, शनि और बृहस्पति। आपकी जीवन में बड़ी सफलता, कामयाबी, खुशखबरी, भाग्य में धन संपत्ति का सुख और जीवन में खुशियों को बढ़ाने वाला सुंदर योग। तुला राशि वालों, आज शुक्र मंगल और केतु के कारण आपके जीवन में एक नई संभावना जन्म ले रही है। आप क्या करते हैं? क्या आप बिजनेसमैन हैं? आप नौकरी करते हैं या आप स्टूडेंट हैं? आप जिस भी क्षेत्र में काम करते हैं, आपके अंदर एक नई संभावना जन्म लेने वाली है। ये योगिनी एकादशी के दिन सर्वात सिद्धि योग में आपके मन में एक विचार आएगा, अपने जीवन को बेहतर कैसे बनाएं, अपने जीवन में सुख धन की प्राप्ति कैसे करें, क्या करने से आपके जीवन में बड़ी सफलता आपको मिलेगी, क्या करने से आपका जीवन सुंदर और सुखद होगा, ऐसी संभावना आपके अंदर जन्म लेगी। क्योंकि जब केतु, मंगल और शुक्र का गोचर होता है और सर्वात सिद्धि योग एकादशी तिथि के दिन आता है, तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है, आपके मन में एक नई संभावना जन्म लेती है। आप उसके बारे में बहुत सोचते हैं, समझते हैं, विचार करते हैं, फिर उस संभावना को आगे बढ़ाने के लिए आप प्रयास करते हैं। अगर सर्वात सिद्धि योग में जो नई संभावना आपके जीवन में जन्म ले रही है, उसे पूरा करने का अगर आप प्रयास करेंगे, अपने सामर्थ्य का परिचय देंगे, तो आपका जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। आपके जीवन में बेहतर स्थिति का निर्माण होगा और आपके जीवन में सुख सौभाग्य बढ़ेगा। तुला राशि वालों, ऐसा योग आपकी कुंडली में दिखाई दे रहा है, क्योंकि केतु आपकी कुंडली में इस समय लग्न में बैठा है। केतु आपके मन में इच्छा शक्ति पैदा कर रहा है। शुक्र जो आपकी कुंडली के अष्टम भाव में बुध के साथ बैठा है, शुक्र आपके अंदर इच्छा शक्ति को प्रबल बना रहा है। वहीं मंगल जो आपकी कुंडली के छठे भाव में बृहस्पति के साथ बैठा है, आपकी इच्छा शक्ति को मजबूती दे रहा है। तो आज आपके अंदर एक नई संभावना जन्म लेने वाली है। आपके मन में बहुत सारे बात चल रहे होंगे, ऐसा है या नहीं है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा। आपके मन में बहुत सारी बातें उथल पुथल मचा रही है, क्योंकि शुक्र मंगल केतु का प्रभाव है,
पर अपने जीवन में आप सकारात्मक परिणाम पा सकते हैं, क्योंकि आप कर्मठ हैं, पराक्रमी हैं, आपके अंदर उत्साह है, सुख पाने की चाहत है, आगे बढ़ने का विश्वास है। तो कुछ ऐसा काम आप करेंगे जो आपके जीवन में बड़ी उपलब्धि बनकर आपकी किस्मत को चमकाएगा। आप में हिम्मत है, साहस है, महत्वाकांक्षा है, अपने जीवन को बदल सकते हैं। आपके जीवन में खुशियां बढ़ेगी, सफलता कामयाबी का योग है, क्योंकि शुक्र मंगल केतु का प्रभाव है। अश्वनी नक्षत्र 8:04 तक राहु की छाया है, शनि और बृहस्पति की दृष्टि है। मन का विश्वास आपकी ताकत है, कर्म आपका, साहस आपका, हिम्मत आपका आपको तेजी से आगे बढ़ाएगा। अगर एक बार मन में ठान लें और थोड़ा सा पुरुषार्थ करें तो आपका जीवन निश्चित ही बदलेगा, ऐसा आपकी कुंडली में दिखाई दे रहा है। क्योंकि इस समय आपकी कुंडली के लग्न में केतु बैठा है, पंचम भाव में शनि है, सप्तम भाव में राहु का गोचर है, छठे भाव में बृहस्पति मंगल है, अष्टम में शुक्र बुध है और भाग्य स्थान में सूर्य का गोचर है। माने जीवन में शुभ फल देने की, जीवन में शुभ फल पाने की इच्छा शक्ति आपके अंदर है, जो आपके जीवन को सुखी बनाएगा, आपके भाग्य को चमकाएगा, आपके जीवन में समृद्धि सौभाग्य को आगे बढ़ाएगा और आपके जीवन में लाभ धन लेकर आएगा। आज ये आपके लिए बड़े लाभ के अवसर हैं, क्योंकि आज ये आपकी कुंडली के सप्तम भाव में राहु का गोचर है। राहु सप्तम भाव में बैठकर आपके जीवन में आपकी जीवन को सवार रहा है, मेहनत और कर्म का फल देने वाला है, आपकी महत्वाकांक्षा की पूर्ति करने वाला है, आपके भाग्य को चमकाने वाला है। तुला राशि वालों, आज बड़ी सफलता कामयाबी खुशखबरी भाग्य में धन संपत्ति का सुख और जीवन में खुशी पाने का सुंदर अवसर आपके हाथ में आएगा। आज सुकर्मा योग है, अपने कर्म से अपनी किस्मत को चमकाएंगे, अपने जीवन में लाभ तरक्की का सुख प्राप्त करेंगे। भाग्य अच्छा है तो जीवन में शुभ परिणाम अवश्य प्राप्त होगा। तुला राशि वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, बड़ी सफलता आपके जीवन में, लाभ धन भाग्य, क्योंकि शनि और बृहस्पति की दृष्टि है। हर तरह से आज का दिन आपकी परिस्थिति को बदलने वाला, आपकी जीवन की निराशा को दूर करने वाला, आपके अंदर उत्साह उमंग आशा की एक नई ऊर्जा आपके अंदर आएगी और आपकी महत्वाकांक्षा पूरी होगी। आप प्रभावशाली हैं, प्रतिभाशाली हैं, शुभ काम करते हैं, इच्छा शक्ति बहुत है, आत्मविश्वास से स्वाभिमान है, तो अपने जीवन में शुभ स्थिति का निर्माण आप स्वयं कर सकते हैं। तुला राशि वालों, आपके भाग्य में बदलाव का समय है, आपके जीवन में तरक्की का समय है, आपके जीवन में लाभ उन्नति का समय है, भाग्य का सितारा चमकेगा, खुशी आपके जीवन में आएगी, धन बढ़ेगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आज का दिन 4 चरण में व्यतीत होगा। प्रथम चरण का स्वामी मंगल है, द्वितीय चरण का स्वामी शुक्र है, तृतीय चरण का स्वामी बुध है, जबकि चतुर्थ चरण का स्वामी चंद्रमा है। प्रथम चरण का स्वामी मंगल जो आज बृहस्पति के साथ गोचर कर रहा है, आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव दिखाने वाला है, आपके जीवन में लाभ धन को बढ़ाने वाला है। आज ये आपकी कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा भी गोचर कर रहा है, यानी चंद्रमा जब सप्तम भाव में गोचर करता है तो धन धान से पूर्ण सुखी सौभाग्यशाली जीवन होता है। तो आज प्रथम चरण का स्वामी मंगल आपके लिए विजयी भव का आशीर्वाद लेकर आया है। मंगल के कारण ही परिश्रम का फल मिलेगा और आपकी इच्छित मनोकामना पूरी होगी। मन में अच्छे विचार आए
तो उस काम को अवश्य करें जो आपको खुशी भी देगा, भाग्यशाली भी बनाएगा। द्वितीय चरण का स्वामी शुक्र है जो बुध के साथ बैठा है। भाग्य स्थान का स्वामी जब लग्न के स्वामी के साथ गोचर करता है तो आपकी जीवन में परिवर्तन संभव होता है। आपके जीवन में लाभ की स्थिति, भाग्य वृद्धि का योग, उत्साह उमंग आपके जीवन को एक नई दिशा देता है। सामर्थ्य करने की शक्ति आपके जीवन को आगे बढ़ाता है। उन्नति के अवसर मिलते हैं, अवसर परिणाम में परिवर्तित होता है और आपके जीवन में बड़े लाभ आप प्राप्त करते हैं। वहीं तृतीय चरण का स्वामी बुध आज आपके जीवन में सुख लेकर आएगा, खास करके परिवार का सुख है, जीवन साथी का सुख है, आपके लिए वरदान से कम नहीं होगा। आपका जीवन सुखी होगा। सामर्थ्य साहत आपकी मजबूत इच्छा शक्ति आपके जीवन में आपको लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचाएगा। जिस भी क्षेत्र में मेहनत करेंगे वहां उन्नति प्राप्त होगी। और चतुर्थ चरण का स्वामी चंद्रमा विघ्न बाधा को दूर करेगा, कदम सही रास्ते पर आगे बढ़ेंगे, नौकरी व्यापार अच्छा चलेगा, स्वाभिमान बढ़ेगा, जीवन में सुख और खुशी की प्राप्ति होगी। तुला राशि वालों, विस्तार से राशिफल जानने से पहले चलिए जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अपने राशिफल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में किसी भी देवी देवता का नाम लिखें। आपके जीवन में बड़ा सुंदर समय है, बड़े लाभ के अवसर हैं। आज 24 जून शुक्रवार का दिन है। आज योगिनी एकादशी भी है। योगिनी एकादशी जब भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है, जब सर्वा सिद्धि योग में आपके जीवन में शुभ फल की प्राप्ति होती है, तो आषाढ़ माह किस पक्ष की एकादशी तिथि सुकर्मा योग अश्वनी नक्षत्र सुबह 8:04 तक, उसके बाद भरणी नक्षत्र। आज आपकी कुंडली में शुक्र मंगल केतु का प्रभाव, राहु की छाया, शनि बृहस्पति। दिन अच्छा है, आप भाग्यशाली हैं, सामर्थ्य है, शक्ति है, सौभाग्य है, तो आपके जीवन में बदलाव भी निश्चित है। आपके जीवन में सुख धन का बढ़ना भी निश्चित है। आपके जीवन में कोई बड़ा काम होगा, आपके नाम भी रोशन होंगे और अपने जीवन में सुख धन की प्राप्ति भी आप करेंगे। परिवार में खुशी समृद्धि का योग है, यानी आज का दिन शानदार है। आने वाला समय भी शुभ है। मन में जो अच्छे विचार आए आप उस पर अवश्य काम करें, आपके लिए सुखद परिणाम आपके जीवन में प्राप्त होगा और यही सुखद परिणाम आपके जीवन में धन भी देगा, भाग्य को भी बढ़ाएगा। जीवन में सुख संपत्ति भी आप अर्जित करेंगे, पारिवारिक जीवन अच्छा होगा, गृहस्थ जीवन में सुख बढ़ेगा, बच्चों की तरक्की, परिवार का साथ, भाग्य आपका अच्छा है, किस्मत अवश्य चमकेगी, जीवन में धन सुख है, सौभाग्य की प्राप्ति होगी, भाग्य अच्छा है तो आपके जीवन में बड़े लाभ के अवसर भी प्राप्त होंगे। आज तुला राशि वालों के लिए जीवन में सुख धन सौभाग्य, आपके जीवन में बड़े लाभ और आपके जीवन में खुशी और सुख आपके जीवन को बदलेगा। आपकी इच्छा शक्ति अवश्य पूरी होगी। जोश उत्साह उमंग को बना के रखें, मेहनत से काम करें। आज का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:04 से 4:44 अश्वनी नक्षत्र में मंगल केतु के प्रभाव से सुकर्मा योग में दिन की शुरुआत सुखद एहसास, मन में विश्वास और सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 5:25 से 8:04 जब अश्वनी नक्षत्र में आपके मन के अंदर एक नई संभावना जन्म लेगी, आप उसके बारे में अवश्य सोचें, उसे आगे बढ़ाएं, आपका जीवन अच्छा होगा और बड़ी तरक्की, भाग्य का साथ आपको खुशहाल बनाएगा और समय आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। विजय मुहूर्त आज भरणी नक्षत्र में 2:43 से
3:39 का समय आपके लिए बड़ी सफलता और कामयाबी भरा होगा और रात्रि 8:17 से 9:46 का समय खास करके आपके पारिवारिक जीवन में भरपूर खुशी देगा। आप सामर्थ्य और हिम्मत से काम ले, आपके जीवन में हर काम पूरा होगा और आपके जीवन में लाभ की स्थिति उत्पन्न होगी। आज का राहु काल 10:39 से 12:24 राहु काल के दौरान किसी भी शुभ काम का श्री गणेश ना करें। आज उत्तर दिशा की तरफ से दिन की शुरुआत ना करें। आपके लिए लकी कलर पिंक होगा, लकी नंबर 7 होगा। तो शुक्र मंगल केतु का प्रभाव, राहु की छाया, शनि और बृहस्पति। तुला राशि वालों, सुकर्मा योग में हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी की पूजा करें। सर्वात सिद्धि योग में आपकी जीवन के कष्ट बाधा समाप्त होंगे। एक नई संभावना जीवन में बुलंदी पर आपको पहुंचाएगा। अपने कर्म को करते जाएं, अपने काम पर फोकस रखें, भाग्य अवश्य बदलेगा। जीवन में तरक्की, सुख की प्राप्ति होगी। तो तुला राशि वालों, ग्रहों पर आधारित अपने राशिफल के लिए राशिफल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में किसी भी देवी देवता का नाम लिखें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी राशिफल कार्यक्रम में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें, आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान।